तो भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो हमने आपको बहुत सारे दिखाए और भी बहुत सारे स्टॉल दिखाए। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भाई देसी ढाबा, जो कि आज की डेट में लुप्त तो हो चुके हैं, शहर में बहुत कम बचे हुए हैं। आपको जहां भी दिखाई देंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल देसी ढाबा और देसी ढाबे वाला देसी खाना। सब्जी में सेब भाजी, दाल है, चना मसाला, मटर मसाला, दमालू, मलाई कोफ्ता, बीपी में हांडी पड़ी, तवा पड़ी, पनीर टिक्का मसाला, काजू पड़ी, काजू पड़ी, काजू मसाला, भटे का भत्त। तो भाई हम भी लगवा लेते अपने लिए दाल तड़का और शाही पनीर। और एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे तंदूरी रोटियां बना रहे हैं भैया, ये आप चेक कीजिए, बड़ा सा तंदूर बना रखा है पुराने टाइप का, जिसमें तंदूरी रोटियां बनाते रहते हैं। तो भाई हमारी शाही पनीर और दाल तड़का आ चुकी है, आज टेस्ट करेंगे हम ढाबे वाली दाल जो कि हमने बरसों से नहीं खाई है, और टेस्ट करेंगे शाही पनीर। तो भाई हमारी अशोक ढाबे की दाल तड़का, शाही पनीर, साथ में अनियन सैलेड और रोटियां आ चुकी हैं। तो भाई टेस्ट करते हैं इनकी शाही पनीर और दाल है कैसी। भाई एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ढाबा है, ये ढाबा बना हुआ है एवी रोड पे, बना हुआ है ग्वालियर में, और ट्रांसपोर्ट नगर से थोड़ा आगे आते हैं वहीं पे आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ तो आ सकते हैं, लेकिन फैमिली टाइप का ढाबा नहीं है। ये देखिए आप इनका पनीर गरम होगा, ये हाफ क्वांटिटी है, व्हाइट ग्रेवी में इन्होंने बनाया है। तो भाई क्वांटिटी की अगर बात करें तो क्वांटिटी काफी सही है, और साथ में लेते हैं दाल तड़का। ये देखिए भाई क्या मस्त लग रही है बिल्कुल यार। तो भाई हमने अपनी प्लेट तैयार कर ली है, और टेस्ट करते हैं इनका शाही पनीर की, शाही पनीर है कैसा। मसाले यूज किए गए हैं, काफी मीडियम लाइट मसाले यूज किए गए हैं, और साथ में टेस्ट करते हैं इनकी दाल। दाल का टेस्ट यार अल्टीमेट है, जैसा कि ढाबे फेमस होते हैं अपनी दाल के लिए, वैसे ही इनकी यहाँ की दाल भी बहुत अच्छी है। अब टेस्ट करेंगे इनकी रोटी, काफी कड़क कड़क बनाई है रोटियां। तो भाई हमने इसमें बटर नहीं लगवाया है, क्योंकि बटर था वो इनके पास न्यूट्रेला का था, और न्यूट्रेला बटर को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो टेस्ट करेंगे हम इनका शाही पनीर, भाई बनाते हैं एक अपनी प्यारी सी बाइट और लेते हैं। एक लेते हैं दाल से बाइट, भाई दाल में तो इनकी स्पेशलिटी लगती है मुझे, कि इन्होंने पीएचडी कर रखी है दाल बनाने में, तो इनकी दाल तो मुझे बहुत पसंद आई। तो भाई अगर आपको भी खानी है ये ढाबे वाला खाना, तो आप आ सकते हैं एवी रोड पर, अशोक ढाबे के नाम से है, आप इनका सर्च कर सकते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। और इस खाने का पूरा प्राइस मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो शाही पनीर है वो 80 रुपये की हाफ थी, दाल तड़का थी वो 60 रुपये की हाफ थी, और रोटी शायद बिना बटर की 7 रुपए की है। तो भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।